तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बचे हुए टुकड़ों में से डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस तरह के आपको डिजाइनर क्लॉथ बचते हैं तो आप इसको किस तरह यूज करें और इसके पैच लगा के बहुत ही सुंदर आप ब्लाउज बना सकते हैं, या फ्रंट या बैक दोनों साइड भी डाल सकते हैं, और आप चाहे एक ही साइड, मैं इसमें बैक में भी यूज करूँगी और फ्रंट में भी। देखिए मेरा बचा हुआ कपड़ा ही मैं साइड में रख दिया है, ये मैंने लेस लिया है, ये भी साइड में रख दिया है, और अभी आपको बताती हूँ ब्लाउज का मेजरमेंट। देखिए 14.5 इंच मैंने लेंथ ली है और इसका 12.5 इंच मैंने इसका चेस्ट साइज लिया है, लेकिन ये हमारा 42 साइज का आ रहा है। तो देखिए 10.5 इंच हमारा तैयार रहेगा और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है, और मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है। तो सबसे पहले डिजाइन हम लाइनिंग पे कट करेंगे और उसके बाद ब्लाउज पे। तो ब्लाउज को साइड में रख देते हैं। तो देखिए इस तरह से, और ये जो है बोट नेक रहेगा, नीचे भी नेक रहेगा हमारा। तो ये मैंने इसका शोल्डर लिया है 18 इंच। तो सबसे पहले हम बोट नेक लेते हैं 4 इंच, और उसके बाद जो हमारी ये डिजाइन है ये पूरा नीचे तक रहेगी। एक इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, और सबसे पहले ऊपर का नेक लेते हैं। तो हम 2.5 इंच ले रहे हैं ऊपर का नेक, और इसमें 1 इंच की गुलाई दे दें। इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें जो हमने ये क्लॉथ लिया है इसका हमारा पैच रहेगा, तो पैच भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये नेक रहेगा, यहाँ तक हमारा ये पैच आएगा, इधर भी रहेगा, यहाँ से फिर हम इसको शेप देते हैं। तो ये हमारी जो साइड फिटिंग है, ये पैच जो हमारा इस तरह से यहाँ तक लगेगा और इसमें हमारा डिजाइन आएगा। तो ये तो हमारा इतना पार्ट में पैच आएगा और ये नेक भी हो जाएगा। अब यहाँ से हम नेक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप देख लें, जैसे हमारा 8.5 इंच बच रहा है और इसमें हमको भी डिजाइन डालनी है। तो देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, अभी यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं जो डिजाइन देने वाले हैं। तो इसकी यहाँ से इसी प्लेन में थोड़ा सा ब्रॉड करूँगी, तो जो हमने बॉक्स बनाया इससे थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे, और देखिए जिधर आपका हाथ सीधा पड़े उस साइड में इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। तो देखिए पैच हमारा इस तरह से जाएगा, नेक हमारा इतना ब्रॉड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच छोड़ देते हैं, जो कि हम यहाँ पे हुक्स लगाएंगे उसके लिए, और इसका भी एक बॉक्स बना लें। इसके बाद हमें इसमें डिजाइन देने हैं, तो यहाँ नीचे भी हमको जैसे हमने ऊपर 1.5 छोड़ा है, नीचे भी 1.5 इंच ले लेते हैं, और अभी इसकी इस तरह से हम शेप देते हैं, और इसको भी इस तरह से शेप देंगे। देखिए इस तरह से ये शेप आएगी, और यहाँ से हल्की सी हमारी इस तरह से गुलाई हो जाएगी 1/2 इंच की। तो अभी हम क्या करते हैं, इस नेक को यहाँ से यहाँ तक कट करते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस नेक को कट कर लेते हैं। जो ये पैच लगेगा, ये पैच के लिए हम ओनली क्लॉथ इसके ऊपर ही अटैच कर देंगे, पार्ट को कट नहीं करेंगे। के कैनवास कट कर लेंगे, और अभी हम जो पैच कट करने वाले हैं वो करते हैं। देखिए मैंने कपड़ा इस तरह से सीधा रख लिया है, पहले हम एक साइड का काटेंगे उसी ड्राफ्ट को रख के दूसरी साइड, क्योंकि कम कपड़े में यहाँ पे ये डिजाइन निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से सेट कर लिया है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, क्योंकि पैच हमारा इधर तक ही जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, इसको सेम ड्राफ्ट पे कट कर लेते हैं।
फिनिशिंग भी हमारी एक साथ ही आ जाएगी दोनों साइडों से। देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे पहले हम इसको पैच को। तो आप क्या करें, यहाँ से लेके पूरा इसको यहाँ तक शोल्डर तक स्टिच करते हैं, तो ये पैच हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। इसी तरह दोनों साइड के पीस तैयार कर लें। उसके बाद क्या करें, आप लाइनिंग को इस तरह से इसके ऊपर रख लें, जो हमारा पैच का नेक है और लाइनिंग का नेक है इस तरह से सेट हो जाएगा। और उसके बाद हमने जो ये कैनवास कट की है, तो देखिए इस तरह से कैनवास को भी इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लाउज पे ये पैच अटैच कर लिया, फिर उसी के ऊपर हमने लाइनिंग रख दिया और उसके ऊपर हमने ये कैनवास रख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से कमर तक इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो ब्लाउज का नेक है इसको कट कर देंगे और फिर इसको पलट के इसकी फिनिशिंग देंगे और फिर जो लेस ली हमने इसको लगा के इसको डिजाइन देंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, नीचे मैंने ब्लाउज रख लिया है, उसके ऊपर लाइनिंग रख लिया है और उसके ऊपर ये मैंने कैनवास रख लिया है। और इस तरह से यहाँ से लेके पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने स्टिच कर दिया है। यहाँ पे एक लूप भी लगा लिया है क्योंकि ऊपर हम एक बटन लगाएंगे और इन दोनों साइडों में हुक्स आएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये नेक को कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई डाल दी है और यहाँ पे जैसे नॉर्मल प्लेट डालते हैं प्लेट भी डाल दी है। ये मैंने एक पट्टी ली है, स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है 1.5 इंच चौड़ी। और देखिए इस पट्टी को मैं यहाँ पे नीचे कमर में स्टिच करूँगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम ले लेते हैं नीचे से इसकी फिनिशिंग देते हुए। तो देखिए नीचे मैंने पट्टी भी अटैच कर दी है। अब मैंने ये एक लेस ली है जो कि हम इस लेस को पूरा कमर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर देंगे और एक लेस लेंगे हम ये मुड्डे की तरफ से यहाँ से लेके पूरे नेक तक। तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने पूरा नीचे तक लेस लगा दी है और इधर भी लगा दी है। इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पे दो हुक लगा देंगे, इधर भी दो हुक लगा देंगे और यहाँ पे हमने जो लूप बनाया है यहाँ पे एक गोल्ड बटन लिया है जो कि बटन को हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा जब बटन हमारा लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो इस आसान तरीके से आप बचे हुए टुकड़ों में से डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।